भगवान भी देख रहा है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है और पूरे बिहार की जनता का आशीर्वाद है। विरोधी तो शुरू से लगी हुई है, लेकिन हम अपने काम के जरिए वोट जो भी निर्देश दिया है उसका मैं पालन करता हूं, सम्मान करता हूं। नमस्कार, फर्स्ट में आज झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को IRCTC घोटाला मामले में कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि दिल्ली में जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, वो CBI कोर्ट में आज पेश हुए थे। बता दें कि उनके जमानत को CBI ने चुनौती दी थी, जिस मामले पर आज CBI कोर्ट में सुनवाई होनी थी, वही सुनवाई खत्म हो गई है। और बता दें कि तेजस्वी यादव को एक बड़ी राहत मिली है, उनके जमानत को रद्द करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। इन सब के बाद आपको बता दें कि अब जो उनके बड़े भाई हैं और वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं तेज प्रताप यादव, उनका बयान सामने आया है। तेज प्रताप यादव ने कह दिया है कि जो कोर्ट का फैसला है हम उसका सम्मान करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की जो जनता है, खासकर बिहार की जो जनता है, वो सब कुछ देख रही है, भगवान भी देख रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है। हमें जो कार्य दिया गया है, तेजस्वी यादव जी को जो कार्य दिया गया है, वो उसका बखूबी निर्वहन कर रहे हैं और हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा था और अब न्यायालय का फैसला सामने आ गया है। देखिए क्या कुछ कहा है अपने बयान में तेज प्रताप यादव ने। को बेल कंटिन्यू रखा गया है, क्या देखते हैं? जमानत रद्द नहीं किया गया, जमानत रद्द नहीं किया गया है CBI को। बहुत बड़ी राहत है। देखिए हम लोग हैं कि काम कर रहे हैं और भगवान भी देख रहा है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है और पूरी बिहार की जनता का आशीर्वाद है। तो राहत मिल रहा है, अच्छी बात है। क्या लग रहा है कि BJP उनको फिर से फंसाने का प्रयास कर रही थी, जिसमें वो नहीं? देखिए विरोधी तो शुरू से लगी हुई है, लेकिन हम अपने काम के जरिए जवाब मिल रहा है लोगों को। हमने जो जिम्मेवारी लिया है, तेजस्वी जी ने जो जिम्मेवारी लिया है, उसको पूर्ण तरीके से हम लोग अपने कर्तव्यों का पालन करने चुनाव पर क्या लेकिन लेकिन तेजस्वी जी को कोर्ट ने कहा है कि जो बयान पहले दिए थे इस तरीके का बयान मत दीजिए, क्योंकि आप जिम्मेवार। ठीक है, अच्छी बात है। कोर्ट जो भी निर्देश दिया है उसका मैं पालन करता हूं, सम्मान करता हूं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।